Hello guys, how are you? Thanks for watching my video. Education किसी भी country के लिए एक बहुत बहुत important मुद्दा है, very important issue. जैसे मैं पहले ही discuss कर चुकी हूँ, education पर ही देश की progress, उसका development, सिटीजन्स की क्वालिटी कैसी होगी, वो सब एजुकेशन पर डिपेंड करती है. इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे देश में एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चीन से भी बड़ा है. हमारी कंट्री में 3 एजुकेशन पॉलिसीज बनी हैं. फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, सेकंड 1986 में, और 34 इयर्स के बाद अब 2020 में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है. ऑलरेडी 3 एपिसोड में इस एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस कर चुके हैं और अब आप भी क्यूरियस होंगे कि टीचर के लिए पॉलिसी में क्या कहा गया है. सबसे पहला जो पॉलिसी में बात कही गई है वो ये है कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को इस प्रोफेशन में लाने की कोशिश की जाएगी. ऐसा देखा गया है कि जब उनको कहीं भी जॉब नहीं मिलती है तब वो टीचिंग में आते हैं, उसके लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे. आज हम डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन, टीचर्स का रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट यानी उनकी अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स, ये सारे इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे. एक मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स की गई है और वो होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री. किसी भी लेवल का टीचर है आफ्टर स्कूलिंग उसको 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री करनी होगी. अभी बीएलएड भी कुछ इसी पैटर्न पर है. और अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर ली है, इफ समवन हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, देन 2 ईयर डिग्री विल बी रिक्वायर्ड. फिर वो डिग्री 2 साल की हो जाएगी. इफ someone has got specialization in any subject, it means MA. किसी ने MA कर लिया है तो उसके लिए 1 year degree compulsory होगी. जो teacher education institute है वही आपको 4 year integrated BA degree भी करवाएंगे. जिनके लिए 2 year BA degree है वही institute 2 year BA degree भी अवेलेबल कराएंगे एंड 1 year बीएड डिग्री भी. और ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 2030 ये मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो है वो इंप्लीमेंट कर दी जाए. और ये ट्रेनिंग रिग्रेस ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिस पर फोकस किया जाएगा, टीचिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया जाएगा. सेकंड, जहां तक डिप्लॉयमेंट की बात है, रूरल एरियाज में नेचुरली टीचर्स की शॉर्टेज रहती है. रूरल एरियाज में पॉलिसी ये कहती है कि या तो टीचर को रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी, अलाउंस होगा ताकि टीचर मोटिवेट हो रूरल एरिया में काम करने के लिए. दूसरा, बीएड की डिग्री का जो कंटेंट होगा वो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस पर तो फोकस होगा ही होगा. ये मॉडर्न जो बर्निंग इश्यूज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो देर आर फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो. इसके लिए भी सिटीजन्स को अवेयर कराना जरूरी है एंड एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस.
देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये भी एक बर्निंग इशू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम कंटिन्यू कर सके, उसके लिए क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सब बीएड प्रोग्राम्स का कंटेंट होगा, उसके सिलेबस में होगा। नाउ वी विल डिस्कस रिक्रूटमेंट, कि टीचर्स को कैसे रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और डिफिकल्ट टेस्ट होगा, जिसमें कि कंटेंट और पेडागोजी दोनों ही एक डीपली टेस्ट किया जाएगा कैंडिडेट का। पेडागोजी, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, साइंस ऑफ टीचिंग और यू कैन से मेथड्स ऑफ टीचिंग। दूसरा एक और जो कंपलसरी होगा, दैट इज अपॉइंटमेंट के लिए उसका क्लासरूम डेमोंस्ट्रेशन होगा, यानी एक टीचर को क्लासरूम में टीच करके दिखाना होगा। उसकी अपॉइंटमेंट का ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा, आइदर क्लासरूम डेमोंस्ट्रेशन और देयर विल बी इंटरव्यू, या इंटरव्यू भी होगा। ये उसके रिक्रूटमेंट के लिए कंपलसरी चीजें हैं। और जो पॉलिसी में फोकस किया गया है, सर्विस कंडीशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। सो पॉलिसी सेज कि सर्विस कंडीशंस बेटर प्रोवाइड करने की पूरी एफर्ट किया जाएगा। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर बिल्डिंग है, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज और उनके लिए और भी जो वहाँ पे नेसेसरी है स्कूल्स में, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस पर भी काफ़ी फोकस है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ टीचर। टीचर्स को एम्पावर करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि भाई अच्छा स्केल दे दिया और जी मुद्दा खत्म। पॉलिसी ये कहती है कि जो हमारे एंशिएंट टाइम में टीचर्स का स्टेटस था, पोजीशन था, वही पोजीशन देने की, दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर को ऑटोनॉमी भी दी जाए, स्पेशली इन पेडागोजी। इन माई ओपिनियन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि भाई चिल्ड्रन आर द करिकुलम फॉर ए टीचर, एंड मैनी टाइम्स टीचर हैज़ टू डिसाइड द पेडागोजी अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। हर एरिया में चिल्ड्रन की जो एटीट्यूड है, टेंडेंसी है, उनकी हैबिट्स हैं, उनके अपने ड्रीम्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। उसमें भी टीचर को डिफरेंट लाइन लेकर चलनी पड़ती है, डिफरेंट पेडागोजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। टीचर को डील करना पड़ता है लिविंग बींग से, नॉट डेड पेपर्स, पेपर से नहीं, कागज से कि जैसा हमने कर दिया वैसा कर दिया, नहीं, लिविंग बींग्स को हैंडल करना बहुत ही ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। तो ये ज़रूरी है कि टीचर को ऑटोनॉमी दी जाए। यहाँ मैं अपना किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि मेरा अपॉइंटमेंट जब फर्स्ट जो हुआ जहाँ पर, वहाँ पर ज्वाइन करते ही नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी एक ये क्लास ऐसी है, इसे सब टीचर हार गए हैं और आप करो कोशिश, इस क्लास को संभालो और हमें उम्मीद है कि आप इसको संभाल लोगे। अब क्लास में एंटर किया तो बच्चों की बहुत खराब हालत थी। नाइन्थ क्लास थी, लेकिन मैंने टेस्ट दिया 10 मार्क्स का, एंड वन स्टूडेंट गॉट 2.5, अदरवाइज आइदर 0 और 1। छोटी छोटी लेवल की वर्कशीट बनाई उनके लिए। आई वेंट टू द HOS एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी फ्रीडम टू सेट सेपरेट पेपर्स फॉर एग्जाम, और उन्होंने परमिशन दी और उसका रिजल्ट ये रहा कि बाय द एंड ऑफ द सेशन क्लास की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुई। मोर देन 50% स्टूडेंट्स पास द क्लास, और उनका जनरल बिहेवियर और वो भी बहुत अच्छा रहा।
ठीक इसके कंट्रास्ट में मैंने एक स्कूल में कहा कि आप इन बच्चों का ग्रुपिंग ऐसे करो, स्लो लर्नर थे, मोटिवेट होंगे और इनकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन प्रिंसिपल ने इसकी परमिशन नहीं दी और उसका रिजल्ट ये रहा कि 3 बच्चे फेल हो गए इंग्लिश में। टीचर नोज हाउ टू हैंडल द क्लास, उसको ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। पॉलिसी में तो कहा गया है, अब प्रैक्टिकली कितना दिया जाएगा दैट टाइम विल टेल। अगर हम टीचर एम्पावरमेंट की बात करें तो पॉलिसी सेज कि टीचर को पावर्स दी जाएंगी, शी और ही विल पार्टिसिपेट इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल की जो कमेटीज है उनके जरिए वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज नॉन टीचिंग वर्क, उनको नहीं दिया जाएगा। अब ये भी देखने की बात है कि नहीं दिया जाएगा, अभी तो टीचर्स सेंसस में भी जाते हैं, अभी तो इलेक्शन ड्यूटी भी है, अब आगे क्या होगा। पॉलिसी में तो कहा गया है लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा। एंड कितनी ऑनेस्टली हाउ दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड दैट इज इम्पॉर्टेंट। कुछ पॉइंट्स लॉडेबल हैं, प्रेजवर्दी हैं, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो हमें देखना है और वो तो फिर टाइम ही बताएगा। एक और एस्पेक्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब वक्त के साथ, टाइम के साथ हमें अपने हर काम में चेंजेस लाने पड़ते हैं। वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्फ टू द डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इसके लिए पॉलिसी ये कहती है कि एक टीचर को एक एनुअल ईयर में वो 50 आवर्स देने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। वन मोर पॉइंट, एक गाइडिंग सेट तैयार किया जाएगा नेम्ड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर NPST, जो ये तय करेगी कि टीचर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, टीचर का क्या रोल होगा। और ये गवर्नमेंट का ये है कि 22 तक ये गाइडलाइंस तैयार हो जाएंगी। तो देखते हैं कि वैसे तो पॉलिसी में बहुत कुछ कहा गया है, इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये सब हमारी पॉलिसी टीचर्स के लिए कहती है। एक और एपिसोड लेकर आएंगे, आई होप आप सभी वीडियोस को देखेंगे और एक परसेप्शन डेवलप होगा कि हमारी एजुकेशन का क्या रास्ता होगा आने वाले कल में। बंद करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके, थैंक यू।